एक गैंगस्टर से रिलेटेड वीडियो है जो कि गैंगस्टर 20 साल का, दुर्लभ कश्यप। मैंने कभी नाम नहीं सुना, आपने सुना है तो बताना जरूर। दुर्लभ कश्यप की कहानी, स्टोरी ऑफ 20-year-old गैंगस्टर, 20 साल का लड़का। ओ भाई साहब, BDF न्यूज चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या कहानी है इस गैंगस्टर जो 20 साल की उम्र में इतना तगड़ा गैंगस्टर। बहुत नाम, ये हमारा गेमिंग चैनल भी है, रात को 10:15 बजे इस पे लाइव स्ट्रीमिंग आती है। और हमारा दूसरा चैनल भी दीपक अलावा जिस पे आते हैं व्लॉग्स, तो दोनों सब्सक्राइब कर लेना। रेडी सेट एंड गो। बड़े बाल, आंखों में सुरमा, माथे पर लाल टीका और गले में काला कपड़ा, कंधे पर गमछा, यही पहचान था दुर्लभ कश्यप का। आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप और कहां का रहने वाला था, और कैसे इतनी छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना देखने लगा। दोस्तों, अभी तक आपने कई गैंगस्टरों के बारे में सुना होगा, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह। लेकिन सब लगभग उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गए थे जहां से जरायम की दुनिया में एंट्री करना बहुत आसान होता है। लेकिन BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक में आज हम एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में अपना नाम स्थापित करना चाहता था। नाम दुर्लभ कश्यप, उम्र 16 साल, पेशा अपराध। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कम उम्र के लड़कों के गिरोह का सरगना था दुर्लभ कश्यप। उसकी उम्र अपने भविष्य को संवारने की थी, लेकिन होश संभालने के साथ ही उसकी चाहत मशहूर होने की हो गई, और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपराध जगत में कदम रखा। और अपने इस कदम में उसने सहारा लिया सोशल मीडिया का। उज्जैन जिले के उसके जैसे सैकड़ों युवा उसके साथ जुड़ते चले गए। पुलिस को चकमा देने के मामले में उसने बड़े बड़े अपराधियों को भी पीछे छोड़ दिया था, और अपराध करने में दाऊद की राह पर था। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन ऐसा आया जब एक गैंग वॉर में उसकी हत्या हो गई, और वो हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। दुर्लभ कश्यप उम्र के इस पड़ाव पर था जहाँ हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस में जाकर बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखता है, लेकिन उसे तो कुछ और ही बनना था। दुर्लभ युवकों के बीच काफ़ी फेमस था, और उस दौर में 16-17 साल के युवा बहुत तेजी से उसके साथ जुड़ते चले जा रहे थे। अपराध की दुनिया में शामिल होने वाले युवक दुर्लभ कश्यप को एक आइकॉन की तरह देखने लगे थे। सोशल मीडिया के जरिए शहर में अपना खौफ फैलाने के लिए की गई पोस्ट में भी कश्यप का नाम चर्चा में रहता था। दुर्लभ कश्यप हमेशा अपने माथे पर गोल्ड टीका, आंखों में काजल और गले में ब्लैक कपड़ा डालता था। अपनी इस लाइफ स्टाइल की वजह से वो और भी चर्चित रहता था। आखिर दुर्लभ की मौत कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया, और उसने बकायदा इसके लिए रेट तय कर दिया। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता था, उसके गैंग के सदस्य भी ठीक वैसे ही कपड़े पहना करते थे, या फिर यूं कहें कि उसके गैंग का यह ड्रेस कोड बन चुका था। ये गैंग सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। इस गैंग का फेसबुक पोस्ट होता था, अगर कोई गैंगस्टर किसी को परेशान कर रहा हो या कोई विवाद हो, छोटा हो बड़ा हो, हम सब निपटा देंगे। और धीरे धीरे पूरे उज्जैन शहर में इस गैंग के नाम की तूती बोलने लगी। और आ गया साल 2018 जब दुर्लभ ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके दहशत फैला दी, और पहली बार इस गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय इस नई गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो कि कम उम्र के थे। इसमें कुछ नाबालिग भी थे। गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज हुआ। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था कि वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है, कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो तो उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्टें भी डाली जाती थी। गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए एक टीम बना रखी थी जो दहशत फैलाने वाली पोस्ट करते थे। इस आईडी से जेल में बंद लोगों की भी फोटो पोस्ट की गई।
दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही अपराध की दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ा चुका था, और वो न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हुआ बल्कि उसमें नए हम उम्र के लड़कों की लाइन तैयार की जो उसके फॉलोअर बन गए, और इसे फॉलो करने में उसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। वो सबसे ज़्यादा फेसबुक पर एक्टिव था, कई बार उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मोमेंट करवाना, कई जगह पर जाना, विवाद में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार की उसके लिए बातें आम हो चुकी थी, नॉर्मल चीज़ें सब। तो दुर्लभ का गैंग दिन दोना रात चौगुना फल फूल रहा था। रात के सन्नाटे में लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने से लेकर लूटपाट, सब कुछ ये गैंग बहुत ही तेजी से कर रहा था। कम उम्र में कैसा पूरा गैंग बना, और फिर इस बारे में वहां के एसपी सचिन अतुलकर को इस बारे में खबर मिली और सबको पकड़ा गया। इस गैंग के अपराधों की हिस्ट्री इतनी थी कि एसपी सचिन अतुलकर ने बाकायदा हिस्ट्री शीट भी बनवाई, लेकिन उसके खिलाफ ज्यादा मामला नहीं बना क्योंकि वो और उसके गैंग के सदस्य नाबालिग थे और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, और वो जब 18 साल का हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और उसे इंदौर के जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद दुर्लभ के गैंग की कमर टूट चुकी थी। कहा जाता है इसी बीच तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर जेल का दौरा करने गए तो उनकी मुलाकात जेल में दुर्लभ कश्यप से हुई, तो उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना चुका है, इसीलिए तू जेल में रह और यहीं पर तू सुरक्षित रहेगा। उसके बाद दुर्लभ डर के मारे एक साल तक जेल से बाहर नहीं आया, और जब बाहर आया तो फिर से उसी कांड को अंजाम देने लगा जिसकी वजह से वो जेल गया था। सीखा नहीं ना। दुर्लभ ने जेल से बाहर आते ही 24 जनवरी 2020 को एक बीजेपी नेता के बेटे को किडनैप कर रंगदारी मांगने लगा 2020 में, और इस मामले में पुलिस ने 1 जुलाई 2020 को कार्यवाही करते हुए दुर्लभ गैंग के दो लोगों को उठा लिया। जब मालूम चला बीजेपी नेता के बेटे को ये लोग मारते हैं और मारपीट का वीडियो भी बनाते हैं और धमकी देते थे कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, इन सबको देखते हुए पुलिस ने दुर्लभ और उसके साथियों के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया। दुर्लभ जब जेल से बाहर आया तो उस दौरान देश में लॉकडाउन लग चुका था, तब वो इंदौर में रहने लगा, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद उज्जैन में अपनी अध्यापक माँ के पास आकर रहने लगा और दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, लोगों को लूटना, ये सब कुछ चलता रहा। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लगा था। पुलिस की निगाहें अब दुर्लभ से हटकर और अपराधियों पर जा चुकी थी। लॉकडाउन चल रहा था, अपराध अपने चरम पर था, दुर्लभ भी रोजाना रात में पार्टी करने और गुंडागर्दी करने में मशगूल था। लेकिन वो दिन भी आ गया जब दुर्लभ का अंत होने वाला था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दुर्लभ का आतंक उज्जैन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक रात दुर्लभ अपने साथियों के साथ रफीगंज इलाके में एक चाय वाले से चाकू की नोक पर रंगदारी मांगता है और वहां से फरार हो जाता है। चाय वाला अमन उर्फ भूरा लूटने के बाद माधवनगर थाने में जाता है शिकायत करने, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती। पुलिस वाले उसे डांट कर भगा देते हैं और दुर्लभ रात के 1 बजे फिर उसी चाय की दुकान पर पहुंचता है जहां पर एक शहनवाज नाम का युवक पहले से ही मौजूद रहता है। किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी होती है और तभी अचानक दुर्लभ अपने जेब से कट्टा निकालता है और शहनवाज को गोली मार देता है। गोली लगते ही शहनवाज वहीं गिर जाता है और वहां पर मौजूद उसके साथी दुर्लभ को घेर लेते हैं और चाकुओं से 34 वार दुर्लभ पर करते हैं। दुर्लभ को घिरता देख उसके साथी पहले ही भाग जाते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जरायम की दुनिया में अपना नाम कमाने की चाहत रखने वाला एक 20 साल का दुर्लभ गैंग वॉर में चाकुओं के 34 वार से मारा गया। इस घटना का मुख्य गवाह बना वो चाय वाला और उसके निशानदेही पर दुर्लभ के कई साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद दुर्लभ के एक साथी अभिषेक ने कहा कि शहनवाज को गोली लगने के बाद जब उसके साथी दुर्लभ को चाकुओं से मार रहे थे तो चाय वाले अमन उर्फ भूरा ने चिल्लाकर कहा था कि शादाब भाई जान से मार दो उसको, उसे जिंदा मत छोड़ना। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी रही और दुर्लभ कश्यप की हत्या के करीब 2 महीने के बाद यह खबर आई कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी श्रीराज बाबा उर्फ चाय वाले ने जेल में आत्महत्या कर ली। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की कहानी बताने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। जब दुर्लभ की मौत हुई तो उसके पिता रजनीश कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि कोई भी उनके बेटे के जैसा ना बने, और इस तरह से खत्म हुआ
उज्जैन शहर से आतंक का पर्याय बन चुके दुर्लभ कश्यप का डर। दोस्तों खबर कैसी लगी, अपने विचार जरूर देना। ये पता है क्या, ये मूवीज वगैरह में वो लगता है कि हाँ भाई कूल है, ये बनना है, वो बनना है, इंस्पायर हो जाते हैं ना कई लोग। और वो होता है कम टाइम में पैसा कमाना, लोगों को लूट के पैसा करना। पहली बात तो वो सब एक फिक्शन होता है, वो कुछ वैसा नहीं होता मूवी का, कभी रियल मूवीज कभी रियल नहीं होती। जैसे कहते हैं ना रियल लाइफ हीरोज वो हैं जो हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही समझदार बनो, जागरूक बनो। इन्फ्लुएंस कई बार हो जाता है, नहीं गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर नाम किसको वो था कि हाँ ये बनना है। वो वाली बात है ना, पढ़ाई लिखाई करो आईएएस वाईएस बनो, लेकिन नहीं नहीं बदमाश बनना है नहीं। ऐसे मैंने ये चीज देखी है कुछ अच्छी मूवीज में, इतनी सारी जैसे वो है एलओसी वगैरह इस तरह की आती हैं, इंस्पायर नहीं हुई कि देश के लिए करें कुछ। मतलब कि अगर इतना देखो पैसा भी मिले, सैलरी मिलेगी थोड़ी, पढ़ाई लिखाई कर लोगे, सैलरी मिलेगी, घर चलेगा उससे है। और उससे अगर तुम्हें मतलब कि वही है दबंगई दिखाने, तो भाई साहब देश के लिए दिखाओ दबंगई जाके। और 20 साल की उम्र में था, रह गए ना, और आखिर में वही दुश्मन बन गए, दुश्मन बन गए थे। और वो गैंग वॉर की उम्र है उससे ज्यादा तूने दुश्मन बना लिया है और भाग गया, तो लपेटे में वही होता है ना कि बुरा काम का अंजाम बुरा ही होता है। और प्लस इस कहानी का बताने का मकसद ही ये था, आप ये देख लो जागरूक बनो थोड़े से। समझदार शर्म की बात थी कि उसके पापा ने इसके मरने के बाद बोल दिया कि कोई मेरे बेटे जैसा ना बने, वरना नॉर्मल ऐसा होता है कि मुझे गर्व था अपने बेटे पे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ठीक है, पेरेंट के बारे में सोच रहे हो कितना बुरा लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा। एंड सीरियसली अमेजिंग जिस तरीके से पूरी स्टोरी, बीडीएफ न्यूज चैनल अमेजिंग, आप जाके और वीडियोज इनके चैनल। मैसेज बहुत अच्छा था कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, तो इन चीजों से बचो, समझदार बनो। जो ये कहते हैं ना कि हमें गैंगस्टर बनना है, वो भाई साहब, और कई लोगों में ये नहीं होता कि हम अरे बहुत चलती है मेरी तो यहाँ पर, अरे कुछ ना हो, किसी की नहीं चलती। जब रैपटे पड़ते ना कानून के, तो सबकी वहीं रह जाती। इसलिए इन चीजों से बचो, समझदार बनो, कुछ काम वाम करो। कुछ अगर पढ़ाई लिखाई करने की उम्र चली गई है तो अपना कुछ वैसे काम करो, और अगर उम्र है तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करो, इन कामों से बचो। एंड इनफैक्ट कोई भी एग्जांपल, चलो ये तो दुर्लभ था, कोई भी एग्जांपल इसकी, चलो एज 20 थी इन्हें लगा होगा, कोई बड़ी एज वाला भी देखोगे ना किसी का एंड अच्छा कुछ अभी भी वो अच्छा दुबे, विकास दुबे अभी देख लो, हाँ भेंट तोड़ दे रहे उसके विकास दुबे की भी, हाँ पुलिस वालों को मार के वो भी बहुत उछला होगा, हाँ। भाई मैंने ये कर दिया, कितने बुरी तरह से मारा, इतना बुरा, हाँ। तो भाई वही अब एनकाउंटर हुआ उसका, सबको पता है असली जो भी था जैसा भी था, लेकिन एंड अच्छा नहीं था ना, एंड अच्छा नहीं था क्योंकि हमला क्यों कैसे करते, हाँ। और वो गाड़ी में भी उसने गड़बड़ करी थी, करी थी हाँ, उसने करी थी। तो ऐसी आप वीडियोस और सजेस्ट कर सकते हो जिसमें कुछ सीखने को भी मिलता है, हाँ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।